पीलीभीत में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद से कितने खुश पीलीभीत की जनता। मोदी का मिशन, विपक्ष की बढ़ रही टेंशन। मोदी का तूफानी प्रचार, 4 जून को होगा 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी। इसी क्रम में आज पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने यूपी के पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस लोकसभा सीट से वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। अब यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 35 सालों से यहाँ मेनका गांधी या फिर उनके बेटे वरुण चुनाव लड़ते रहे हैं। गौरतलब है कि टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक अपील की थी, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मरते दम तक रिश्ता रखने का वादा करता, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। टिकट कटने के बाद से ही वरुण गांधी सार्वजनिक जीवन से दूर है। पीलीभीत में बीजेपी की जीत के लिए पीएम मोदी आ रहे हैं। मेरठ और सहारनपुर के बाद यूपी में उनकी ये तीसरी सभा थी। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी सहारनपुर सीट से हार गई थी, जबकि मेरठ में बीजेपी सिर्फ 5000 वोटों से जीत पाई थी। पीएम मोदी का पीलीभीत का ये दौरा ये बताता है कि ये सीट बीजेपी के लिए दिल की धड़कने क्यों बना हुआ है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ ले रखी है। ऐसे में पूरा फोकस पीएम का पीलीभीत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के कद्दावर नेता वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद को दिया गया है। और ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवार के निर्णय को सही साबित करने के लिए पूरी जान झोंकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखा जाए तो पीलीभीत की जनता अब भी वरुण गांधी को लेकर अपना मन नहीं बदल पाई है। कई ऐसे लोग हैं जो वरुण गांधी के करीबी हैं, जो इस वक्त खासा नाराज भी चल रहे हैं। वहीं वरुण गांधी को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि वे इस मंच पर भी नजर नहीं आए। वे ना तो अभी तक पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंचे और ना ही चुनाव प्रचार में पहुंचे। उन्होंने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा से दूरी बनाई थी, लेकिन अब वे पीएम मोदी की रैली में भी नजर नहीं आए। वहीं आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्र और हिंदू नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शक्ति की उपासना का पर्व आज से शुरू हो रहा है। देश भर में शक्ति की उपासना की धूम मची हुई है। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है और मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत दिख रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लेकर आए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथों को भारत लाए। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज देश में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया था। जिस शक्ति के सामने हम शीश झुकाते हैं, उसको उखाड़ फेंकने की बात कांग्रेस के लोग किए थे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को मंदिर निर्माण से सख्त नफरत है। विपक्षियों ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस को विरासत की कोई परवाह नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि इनको राम मंदिर के निर्माण से कल भी नफरत थी और आज भी नफरत है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बाद भी उसका बायकॉट किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जिन नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समर्थन किया, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। बताते चलें कि पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पीलीभीत सीट से 2019 के चुनाव में बीजेपी के वरुण गांधी सांसद पहुंचे थे। तब वरुण गांधी को 7,04,549 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को 4,48,952 वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में इस सीट से वरुण की मां मेनका गांधी लोकसभा पहुंची थी। मेनका गांधी 1979 से 2014 तक इस सीट से चुनाव लड़ती रही हैं।
1984 के बाद ये पहला मौका है जब पीलीभीत सीट से कोई गांधी चुनाव मैदान में नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।